नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। नगर निगम चुनाव प्रचार में जुटे हर कार्यकर्ता से प्रत्यक्ष बात करेंगे सीएम। पालमपुर में वार्ड टू वार्ड करेंगे प्रचार। हिमाचल में 1 अप्रैल से होंगे अहम बदलाव, मिलेगी बढ़ी हुई दिहाड़ी और अतिरिक्त मानते। आज फ्रांस से भारत पहुंचेंगे 3 और राफेल। UAE के आसमान में भरा जाएगा विमानों में ईंधन। जहां कोरोना ज्यादा, वहां 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को 14 दिन में वैक्सीन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि की तबीयत बिगड़ी, कोरोना से हैं संक्रमित। ट्रेन यात्री रात में मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेंगे। दिल्ली वालों को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। हिमाचल में 4-5 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नगर निगम चुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर आज बुधवार को दूसरे दिन पालमपुर में प्रचार की कमान संभालेंगे। नगर निगम चुनाव में प्रदेश के चारों शहरी निकायों में बीजेपी भगवा लहराने को लेकर जोर शोर से काम कर रही है। मंगलवार को सीएम ने धर्मशाला में जनसभाएं करते हुए जनता से वोट मांगे थे। आज दूसरे दिन पालमपुर में सुबह पत्रकार वार्ता के बाद सीएम नगर निगम पालमपुर के सभी 15 वार्डों में वार्ड टू वार्ड प्रचार करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। इस दौरान सीएम हर स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के हर कार्यकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से कई तरह के बदलाव होंगे। दैनिक दिहाड़ी 275 रूपए से बढ़कर 300 रूपए होगी। बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारियों से आम आदमी तक लाभान्वित होगा। राज्य में गरीब आदमी को बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से प्रत्येक गरीब की बेटी को 31,000 रूपए शगुन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में दिहाड़ीदारों को 3,000 रूपए दिहाड़ी मिलेगी। अब 12 श्रेणियों को 300 रूपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 रूपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटी है। 3 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप आज फ्रांस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। इसी के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 3 राफेल लड़ाकू विमान आज शाम अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। ये तीनों विमान फ्रांस से भारत की दूरी बिना रुके तय करेंगे। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE के आसमान में ही तीनों विमानों में उड़ान के दौरान ही ईंधन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भरा जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। मंगलवार को कोरोना के 56,000 नए मामले सामने आए, जबकि 271 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 46 जिला अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक हुई है। बैठक में कोरोना पर काबू पाने के लिए
सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर कोरोना के 70% मामले पड़े हैं। जिन जिलों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, वहां पर 2 सप्ताह के भीतर 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को कमजोरी की शिकायत के बाद HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रश्मि ठाकरे कोरोना संक्रमित हैं, इसकी पुष्टि 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। सूत्रों के मुताबिक रश्मि ठाकरे कमजोर महसूस कर रही थी। नियमित जांच और बेहतर देखभाल के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम और रश्मि ठाकरे को 11 मार्च को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद दोनों को होम क्वारंटाइन में रखा गया था। ट्रेन यात्री रात के वक्त अब सफर के दौरान मोबाइल, लैपटॉप या किसी तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। ये भी नियम बनाया गया है कि कोई यात्री सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उससे बतौर जुर्माना ₹100 वसूला जाएगा। रात के समय ट्रेन कोच में यात्री चार्जिंग प्वाइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने का फैसला किया गया है। रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन के ओवरहीटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ज में लगाकर ही मोबाइल या लैपटॉप छोड़ देते हैं, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। मार्च महीने में दिल्ली में लू चली, इस वजह से होली के दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो वर्ष 1945 के बाद सर्वाधिक है। मार्च की गर्मी ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट के मुताबिक आज रात तक पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 4-5 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।